वहाँ की वाइब्रेशंस बहुत अच्छी हैं, मुझे आते साथ ही करंट लगता है, बड़ी पॉजिटिविटी सी फील होती है। 12 साल पहले हमने यहाँ जो शोज दिए थे वो 12 साल आगे बढ़ चुके हैं। जो भी आप लोग यूट्यूब भी यहाँ वहाँ देखते हैं या सोचते हैं कि आपने जादू सीख लिया है, आप यहाँ देख के देखिए कि जादू आज के तारीख में दुनिया में कितना एडवांस हो चुका है, कितना ज़्यादा आगे है। कल हम लोग ब्लाइंड फोल्ड मोटरसाइकिल राइड करेंगे, आँखों पर पट्टी बांध के मोटरसाइकिल चलाने का, शहर में सिटी में कोई खास इंतजाम नहीं होगा, जो जैसा है वैसे ही रहेगा, उसमें खाली हमारे ब्लाइंडफोल्ड राइडर्स रहेंगे, अंधे हो जाएंगे। DSP ट्रैफिक जो है उनकी आंखों में इतनी पट्टियां बांधेंगे कि वो देखना इम्पॉसिबल रहेगा, वो आप वीडियो में कल देख पाएंगे। उसके बाद ये बिजी ट्रैफिक में ड्राइव करेंगे सेफली, खुद भी सेफ रहेंगे, दूसरों को सेफ करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करेंगे, क्योंकि जिस सेकेंड से आप ट्रैफिक रूल फॉलो करना शुरू करते हैं आपकी लाइफ सेफ हो जाती है, सेफ हो जाते हैं। पूरी दुनिया में जितने लोग हर साल रोड एक्सीडेंट में मरते हैं, बड़े बड़े वॉर में नहीं मरे हैं लोग, हर साल लोग मरते हैं। एक इंसान अपने परिवार को कमा के पाल रहा है, अचानक उसकी डेथ हो जाती है तो पूरा परिवार अनाथ हो जाता है। मान लीजिए बच गया, लंगड़ा लूला हो गया, तो वो उन पे बोझ हो जाता है जिनका खुद ही सहारा नहीं है। कारण क्या है, जिससे हम ड्राइव कर रहे होते हैं तो किसी सेकेंड के किसी हिस्से के लिए हमारा या किसी दूसरे का ध्यान थोड़ा सा यहाँ वहाँ हो जाता है। और सड़कें अभी हमारे हमारे देश की भी बहुत अच्छी होती जा रही हैं, इसीलिए लोगों की स्पीड भी बढ़ती जा रही है, उसमें कैजुअलिटीज़ भी बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको हम ब्लॉक करना चाहते हैं। ईश्वर ने इतनी अच्छी ज़िंदगी दी है, इसलिए नहीं दी है कि हम सड़क में ऐसी मौत मर जाएं कि कई बार लोग पहचान ही नहीं जाते हैं कि ये किसकी लाश है। ऐसा नहीं, आप ये मरने का शौक़ है तो किसी ऐसे काम के लिए मरो कि दुनिया याद करे आपको, ऐसे मरने से क्या फ़ायदा, इसलिए थोड़ी आपने इतनी अच्छी ज़िंदगी ली। तो हमेशा ध्यान रखिए इसके लिए। परसों शाम 7 बजे से हम लोग अपने शो शुरू कर रहे हैं, देखने लायक होगा, मैं आपको अभी संवाददाता दिलाता हूँ। 7-8-10 दिन हम लोग यहाँ पर अपने शोज करेंगे, और बस मुझे खुशी है क्योंकि 12 साल पहले मैंने यहाँ वादा किया था कि मैं एक बार जिंदगी रही तो रोड के नेडूट जरूर आऊँगा। इस बार हमें मौका मिला, आई एम थैंकफुल टू द गॉड हु गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी टू गेट बैक टू नेल्लोर अगेन। अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के, और मैं जानता हूँ कि मेरा नाम सब लोगों को बहुत अच्छा लगने वाला है। मेरा नाम ही आनंद है, मैं आनंद देने के लिए आया हूँ, आप लोग लीजिए विद फैमिली। थैंक यू। కళలు అంతరించే ఈ రోజుల్లో మన జాదుగారు ఆనంద్ గారు వచ్చి నెల్లూరుకు వచ్చి 10 సంవత్సరాల పైన అయింది. ఈనాడు నెల్లూరునే సెలెక్ట్ చేసుకొని మా ఇంద్రజాలం మహేంద్రజాలం అనే విషయాల గురించి మీకు చూపించి అందరికి తెలియజేయడం ఉంటుంది. కానీ ఈనాడు 100,000 సంవత్సరాల కింద మనకు ఇంద్రజాలం మహేంద్రజాలం రాబోయే రోజుల్లో చూడగలుగుతామా, అవి తెలుసుకోగలుగుతామా, చేపించగలుగుతామా, చూడగలుగుతామా అనే రోజుల్లో ఆయన నేనున్నాను, ఎవరైనా వచ్చి నేర్చుకునేపోతే ఇంట్రెస్ట్గా ఉంటే నేను నేర్పిస్తానని కూడా చెప్తున్నారు. మీరు ఎవరైనా నేర్చుకునే వాళ్ళు ఉంటే కూడా చెప్ప ప్రజల్లోకి వచ్చి ఆయన కలవచ్చు. నెల్లూరులో ఇంత దూరం వచ్చిన ప్రజలు అందరూ వచ్చి మీటింగ్ని సక్సెస్ చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాం. ఇది ఒకటేనా?